हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि डायबिटीज़ के मरीज रात को भूल करके भी उन फूड आइटम्स को ना खाएं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं यानी उन फूड आइटम्स को खाते हैं तो निश्चित रूप से रात को उनका शुगर बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ चाहे कोई सी भी हो, यानी टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ कोई सी भी हो, उसमें अपने खानपान का ध्यान रखना और अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना सबसे ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारा ब्लड शुगर लेवल सामान्य तौर पर बढ़ा ही रहता है और ये स्थिति ख़राब होती जाती है। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि दोस्तों कि डायबिटीज़ जो है वो शरीर के बाकी अंगों को भी प्रभावित करना शुरू कर देता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल को लगातार बेहतर करना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों को रात के समय क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चावल की। जी हाँ दोस्तों, पहली बात तो यह है कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो रात में सफ़ेद चावल तो बिल्कुल ना खाएँ, वाइट राइस नहीं खाने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप चावल के शौकीन हैं तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही खाएँ। फिर दोस्तों, दूसरी बात है कि रात में सब्जी कौन सी नहीं खानी। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आलू, कटहल, शकरकंद, गाजर आदि सब्जियां जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक कैटेगरी का होता है, हाई कैटेगरी का होता है, उन्हें नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो खीरा, मूली, भिंडी, बैंगन, हरी मेथी, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि का रोज़ाना सेवन करें, ये बहुत फ़ायदा करती है। फिर दोस्तों, बात करते हैं कि रात में दाल कौन सी नहीं खानी है। तो मैं आपको बताऊं कि मूंग, मसूर और चने की दाल को छोड़ करके किसी अन्य दाल का सेवन करने से बचें। खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाएं। लेकिन जब आप मूंग, मसूर और चने की दाल खा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बेहतर है, आपको फ़ायदा करेगी, तो इसे आप कितना भी खा सकते हैं। फिर दोस्तों, बात करते हैं आगे कि रात में कौन से फल नहीं खाने हैं। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि जो ज़्यादा मीठे फल होते हैं जैसे आम, अंगूर, खजूर, केला, चीकू आदि खाने से बचें। खा सकते हैं, थोड़े बहुत खा सकते हैं लेकिन नहीं खाने चाहिए। और नाशपाती, तरबूज, सेब, संतरा, पपीता आदि का नियमित रूप से सेवन किया जा सकता है, चाहे दिन हो या रात हो, तो ध्यान दीजिए। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि आप चाहे सब्जी कोई भी खाएं लेकिन रोटी किस आटे की बनी होनी चाहिए, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों कि आप डायबिटीज़ के मरीज हों या ना हो, आपको सामान्य गेहूँ का जो सफ़ेद आटा होता है उसकी रोटी तो नहीं खानी चाहिए। हमेशा मल्टीग्रेन आटे की रोटी ही खाएँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मल्टीग्रेन आटे का टेस्ट पसंद नहीं आता हो तो उसका एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कि सामान्य गेहूं के आटे में रोज़ाना कोई भी एक आटा, जैसे कि बाजरे का आटा हो, मक्की का आटा हो या रागी का आटा हो, उसकी एक मुट्ठी, दो मुट्ठी मिला लीजिए। तो इससे टेस्ट भी बेहतर होगा और आपको ग्रेन्स भी अलग अलग मिले। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि रात को दूध नहीं पीना चाहिए डायबिटीज़ के मरीजों को। तो इसमें आपको समझना चाहिए कि रात को डायबिटीज़ के मरीजों को फुल क्रीम वाला दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फिर भी अगर पीना चाहते हैं तो रात को थोड़ा सा दूध लो फैट का या फिर डबल टोन्ड मिल्क जो आता है मार्केट में, उसे पी सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम वाला दूध पीने से बचें। आगे बात करते हैं दोस्तों कि रात में कौन सा फ्रूट जूस नहीं पीना है। तो पहली बात तो यही है दोस्तों कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं और या नहीं भी हैं तो आपको रात में किसी भी तरह का फ्रूट जूस पीने से बचना चाहिए। और अगर फ्रूट्स आपको पसंद है तो जो मैंने पहले बताए हैं फ्रूट्स, आप उन्हें खा सकते हैं, चाहे दिन हो या रात, उन्हें आराम से खाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।